तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से चैनल पर। दोस्तों तो आज एक मैं और न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ गया हूं, और थंबनेल देखकर आप लोग जान ही होंगे कि मैं किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। मैं इन्फिनिक्स के एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। फिलहाल दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो पैकेजिंग कुछ ऐसी मिली है मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ये इसलिए ओपन है क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। तो आप लोग भी मेक श्योर कीजिएगा कि फ़ोन की डिलीवरी अगर आप भी फ़ोन लें तो आप देखिएगा कि उसमें ओपन डिलीवरी हो, वरना अगर ओपन डिलीवरी ना हो तो आप ना लीजिएगा, क्योंकि इन्हों चेंज कर देते हैं जो डिलीवरी बॉय होते हैं बीच में ही। चलिए मैं इसको जल्दी से निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने इसको देखा हुआ था, ओपन बॉक्स डिलीवरी जो था, मैं इसको निकाल देता हूँ। वहाँ पर सब कुछ मैं देखा था, फिर मैं सेटअप करके रख दिया था। और आप लोग देख सकते हो कि बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर देख सकते हो इस यहाँ पे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8SG लिखा हुआ है। अगर मैं अगर आपको दिखा दूँ तो आप लोग देख सकते हो 64GB इसका स्टोरेज है, 6GB इसका रैम है, 6GB इसका रैम नहीं है, 3GB इसका रैम है और 3GB वर्चुअल है। आप लोग देख सकते हो 3GB ही रैम है, 3GB वर्चुअल है, तो इन्होंने 6GB टोटल करके लिख दिया है। 90Hz का इसमें टच का आप देख सकते हो, इसका टच है जो डिस्प्ले टच होता है वो वाला है, और पंच होल डिस्प्ले है यानी पंच होल कैमरा है। तो इसमें मैजिक रिंग भी मिलता है, इन्फिनिक्स को मैजिक रिंग नाम दिया है। और इस बगल से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो इसमें भी सब कुछ वही है। 5000mAh की बैटरी से मिल जाती है, 30MP का डुअल कैमरा मिल जाता है पीछे का, 8MP का कैमरा मिल जाता है आगे का। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं आप लोग देख सकते हो जो मैंने बताया था ये सब कुछ वही है। फिलहाल टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलिए अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो इस बगल इसमें ऐसा लिखा है, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस बगल से आपको दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 7999 रुपये लिखा हुआ है, पर मुझे इसको 7000 पड़ गया है। अगर आपके पास ऑफर होगा तो 6500 में आपको मिल जाएगा। और इस साइड से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और इस साइड पर आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ लिखा है, वारंटी ओनली फॉर इंडिया। और चलिए इसे मैं खोलता हूँ तब उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो इसमें फर्स्ट टाइम जो हमारा फ़ोन है यहाँ पे है। फ़ोन को निकालता हूँ यहाँ से और इसको मैं ये रखता हूँ साइड में, और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। और देख सकते हो 18W का एडाप्टर हमको मिला है इन्फिनिक्स की तरफ से, जो कि 18W का है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। और ये आप देख सकते हो कि सिम कार्ड डिटेक्टर टूल हमको मिला है, इसको भी साइड में रखते हैं। और हमारा डाटा केबल देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि टाइप सी और टाइप है, यानी टाइप ए टू टाइप सी, जो काफ़ी अच्छा लगता है कि दोस्तों की मतलब बजट रेंज के फ़ोन में भी इसमें टाइप सी मिला हुआ है। और हम देख लेते हैं, हमको कुछ ये डॉक्यूमेंटेशंस मिले हुए हैं इन्फिनिक्स तरफ से, जो कोई पढ़ता नहीं है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। और ये है शायद केस इन्फिनिक्स की तरफ से, आप लोग देख सकते हो। और ये है केस इन्फिनिक्स की तरफ से, आप लोग देख सकते हो। ये हार्ड केस है दोस्तों, सच में मतलब कि ये हार्ड केस है, अगर थोड़ा सा आप इसको मोड़ोगे तो टूट जाएगा। कैमरा बम्प आप लोग देख लो, काफ़ी बड़ा बड़ा बम्प है, बट कैमरे में उतना अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है वीडियो में, काफ़ी बड़ा बड़ा है, वीडियो में छोटा छोटा दिखता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए इन सबको साइड में रखते हैं और फोन को बूटअप करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा फ़ोन, आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं फ़ोन को निकालता हूँ, आप लोग को फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। और ये रहा कुछ लुक हमारे फ़ोन का, आप लोग देख सकते हो ये फ़ोन कुछ ऐसा दिखता है सामने से, और बैक से कुछ ऐसा दिखता है। ये ग्रीन कलर का है, आप लोग देख सकते हो कि ऐसा कुछ दिखता है, इससे लाइट पड़ रही है, इस पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर भी इन्फिनिक्स की इन्फिनिक्स लिखा हुआ है थोड़े से। और यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्लास लगवा लिया है क्योंकि स्क्रैच ना पड़े स्क्रीन पे इसलिए। और यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, इसके अंदर फ़ोन के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप लाइट स्क्रीन गार्ड मिलता है, तो आप लोग मेक श्योर करें कि स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर से ही जो होता है मिरर होता है उसको आप लगाएं। और बैक से आप लोग देख सकते हो कैमरा, आप लोग देख सकते हो कि दो कैमरे दिए गए हैं, 30MP प्लस 2MP का ये डेप सेंसर है। और यहाँ पे क्वाड लाइट दी गई है, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पे, एक लाइट यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पंच होल कैमरा यहाँ पे दिया गया है आपको। और मैं पोर्ट्स आपको बता देता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑडियो जैक दिया गया है, माइक दिया गया है, और टाइप सी का पोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो साउंड आता है वो दिया गया है, साउंड का पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, स्पीकर ग्रिल। और इस बगल आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ ये जो सिम कार्ड वाला है ये दिया गया है, बाकी सब कुछ सिंपल है। अगर इस बगल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसी में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और कैमरा बम्प अगर मैं आपको दिखाऊं, आप लोग देख सकते हो ये कैमरा बम्प कुछ इतना कैमरा बम्प है। तो मेक श्योर करें कि आप ज़रूर कवर लगा लें, वरना कवर आप नहीं लगाएंगे तो जरूर कैमरे बम्पर
इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको सेट कर लिया था वहीं पर ही, तो आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले कुछ इसका ऐसा दिखता है। तो मैं ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद कुछ ऐसा हो गया है, वॉलपेपर भी मैंने चेंज कर दिया था और वॉलपेपर में इसको आपको दिखाता हूँ, जो वॉलपेपर इसमें लगा हुआ था वो मैं वॉलपेपर आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वॉलपेपर इसमें लगा हुआ था अपलाइट, ये वाला वॉलपेपर इसमें अपलाइट लगा हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने बूटअप बूटअप सब कुछ कर लिया है और ब्राइटनेस का फुल आप लोग देख सकते हो, ये फुल ब्राइटनेस में है, फुल ब्राइटनेस कुछ ऐसा दिखता है। और ये इसका आप लोग देख सकते हो कि सिंपल आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो जाके गेस्चर सेटिंग में, तो आपको पता होगा जो भी इन्फिनिक्स के फ़ोन चलाते होंगे लोग। और वाईफाई की सब कुछ आप लोग देख सकते हो, इसमें नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन दी गई हैं, मतलब हर एक फ़ोन से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन इसमें है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों बजट रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, आप लोग देख सकते हो ग्रीन कलर में, काफ़ी तीन कलर में और ज़्यादा उपलब्ध है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर आपको उन कलर में से कोई कलर पसंद आता हो तो आप लोग जो ले सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ डिज़ाइन बनी हुई है जो आईफोन की तरह कुछ लुक देता है। और ये न्यू है, तो चलिए दोस्तों मैं इसमें कवर भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये कवर है, इसमें कवर भी लगा के दिखा देता हूँ। और कवर काफ़ी अच्छा सिंपली बैठ गया है, आप लोग देख सकते हो ऊपर से ही, और ये दोस्तों साइड से कवर नहीं करता, आप लोग देख सकते हो साइड से बिल्कुल खाली है और यहाँ से भी बिल्कुल खाली है। और कवर की डिज़ाइन में बताऊँ दोस्तों, मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके अच्छा सिलिकॉन केस अगर दे दिए होते तो काफ़ी बेटर लगता, अगर ऐसे फ़ोन गिर जाएगा तो मतलब फ़ोन टूटने के चांस ज़्यादा हैं, कवर भी ज़्यादा टूटने के चांस हैं। और चलिए मैं कैमरा भी आपको दिखा देता हूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरा मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगा। ये जो जिससे ये ऑन हुआ है, ये था मेरा फेस अनलॉक। और कैमरा में अगर आपको पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पे है कैमरा, इसका मैं फ़ोटो खींचता हूँ, और ये मैं AI कैमरा जो है उससे मैंने फ़ोटो खींचा है, आप लोग देख सकते हो कितनी डिटेल आई है फोटोज़ में, डिटेल तो उतनी मैं नहीं कहूँगा बट हाँ दोस्तों मतलब अच्छा खासा कैमरा इसका काम करता है, कैमरे इसके बजट में जो भी है ये, तो कैमरे काफ़ी अच्छे हैं। और सामने के कैमरे से भी आप लोग फ़ोटो देख सकते हो, वैसे मैं सामने का कैमरा अगर आपको चला के दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि सामने का कैमरा में चलो देख सकते हो कि यहाँ पे HDR का सपोर्ट भी आपको मिलता है, और यहाँ पे ये जो आपका लाइट है पीछे का बैक का, ये भी आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और मैं कैमरे में अगर आपको फ्यूचर्स बता दूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का फ्यूचर्स है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट वीडियो का फ्यूचर्स है, यानी वीडियो का फ्यूचर्स है, AI कैमरा का फ्यूचर है, ब्यूटी का भी यहाँ पे मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है, सुपर नाइट मोड दिया गया है, इसके अलावा कोई भी मोड आपको नहीं दिया गया है। और कैमरा अगर फ्रंट से मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी शॉर्ट वीडियोस AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट मोड और सुपर नाइट मोड दिया गया है, बाकी सब कोई मोड नहीं दिया गया है। और मैं ये कुछ सैंपल्स डाल रहा हूँ फ्रंट कैमरे के, तो आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। उसके बाद मैं आपको, तो दोस्तों ये बैक कैमरे का सैंपल्स के फ़ोटो आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसी क्लियरिटी आती है, और ये फ्रंट के कैमरे का फ़ोटो है, कुछ ऐसी क्लियरिटी आती है, फ्रंट के कैमरा उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का है। आपको बता दूं बैक लाइट की, इसमें लाइट की जो फ्लैश लाइट होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 फीचर्स दिए गए हैं, ये पीछे के फ्लैश लाइट का फीचर दिया गया है और ये फ्रंट के फ्लैश लाइट का फीचर गया, फ्रंट पे यहाँ पे लाइट्स में दिया गया है काफ़ी अच्छा, जो मुझे इन्फिनिक्स की तरफ से लगता है कि और किसी कंपनी की तरफ से नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे 360 है, 360 अगर आप देखोगे तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ लाइट चल जाते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वाड फ्लैश लाइट दी गई है, यहाँ पे आगे फ्लैश लाइट दी गई है, और आप नीचे करोगे तो अगर आप सो पीछे दबाना है तो सिर्फ पीछे का बैक लाइट फ्लैश लाइट जलेगा, अगर करना है तो ये सिर्फ आगे का फ्लैश लाइट जलेगा, बाकी और कोई भी फ्लैश लाइट नहीं जलेगा। तो इसको हम बंद करते हैं, फ्लैश लाइट वाला मैंने आपको दिखा दिया। और दोस्तों चलिए मैं आपको जो फेस अनलॉक है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये फेस अनलॉक से खुला है, मैं इसको फिर बंद कर देता हूँ, फिर मैं खोलता हूँ तो आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे मैजिक रिंग आता है उसी से फेस अनलॉक हो जाता है। अगर फिर से मैं करूँ तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। अगर कैमरे से मैं थोड़ा छुपा हुआ है फ़ोन को मोबाइल से, इसलिए वो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ आप लोग देख सकते हो कितना जल्दी ये खुल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हाँ दोस्तों मैंने इसमें फिंगरप्रिंट भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट मिलता है, तो फिंगरप्रिंट की टेस्टिंग भी करके आपको दिखा देता हूँ कैसा काम करता है, आप लोग को आइडिया भी जाता है। इसमें यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि फिंगरप्रिंट खुल गया है, और मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे हाथ रखता हूँ, आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, काफ़ी तेज़ स्मूथ वर्क कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों इसमें मैं सिम कार्ड ट्रे जो है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि इसमें हमें डबल सिम कार्ड ट्रे मिलता है या ट्रिपल मिलता है, तो
ये रहा हमारा सिम कार्ड विद इजेक्टर टूल, तो इसको मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ निकाल के कि इसमें हमको डबल मिलता है या ट्रिपल मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों ये हम लोग को ट्रिपल मिलता है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। इसमें दो आप सिम लगा सकते हो और एक मेमोरी कार्ड आप लोग आराम से लगा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों मैं इसको चार्ज करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन लाइट कैसे चार्ज पर जलती है, नहीं जलती है। तो ये रहा हमारा डाटा केबल और ये रहा हमारा अडेप्टर, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे और लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ये चार्ज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और देख सकते हो दोस्तों चार्ज होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये अगर मैं फिर से निकालूँ यहाँ पे और फिर से मैं आपको लगा कर दिखाऊँ, तो आप लोग देख सकते हो चार्ज होना स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसे चार्ज होता है। और अब बात करूँ तो डिस्प्ले आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जब तक डिस्प्ले जलेगा ना तब तक जो यहाँ पे फ्रंट लाइट है इसका नोटिफिकेशन नहीं चलेगा। जैसे आप इसको ऑफ करो डिस्प्ले पे, तो ऐसे ही फ्रंट पे आप लोग देख सकते हो कि ये लाइट जल रही है, थोड़ा सा रूम में ज़्यादा उजाला है, इसी वजह से पता नहीं चल रहा, बट ये लाइट जल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपको चार्ज करोगे तो ये लाइट जलेगी, सिर्फ चार्ज करोगे तब ये नोटिफिकेशन लाइट का काम करेगी, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट काम नहीं करेगी। वीडियो भी प्ले करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि वीडियो इसमें कैसा प्ले होता है, कैसे कलर्स आते हैं खिल के इसके, और इसका ब्राइटनेस पूरी तरह से फुल कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इसमें अच्छा आता है, वो थोड़ा सी कमरे में ज़्यादा लाइट होने की वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको फैट दिख रहा होगा, बट अच्छी कोई बात नहीं है, लाइट वीडियो इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको फुल मोड पे करके दिखाऊं, आप लोग देख सकते हो 720 पे है, तो इसको मैं अगर यहाँ पर 1080 पे करता हूँ उसके बाद तब देखते हैं। तो मैं इसको साउंड की क्वालिटी आपको सुना देता हूँ कि साउंड की क्वालिटी इसकी कहती है। साउंड की क्वालिटी मुझे इसकी दोस्तों मॉडरेट लगी, काफ़ी पतली आवाज़ निकलती है, तो लगता है कानों में थोड़ी सी चुभती है, पर खैर कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप साउंड की जो आवाज़ है आप लोग भी सुन लो। आप लोग भी जूमिंग वूमिंग कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो जूमिंग यहाँ पे 8x तक जूमिंग हो जाता है वीडियो में। और ये इसकी साउंड क्वालिटी, तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और ये गेमिंग फ़ोन नहीं है दोस्तों, इससे आप गेम मत खोलिएगा, आप लोग एक बार लास्ट टाइम आप लोग देख लो, क्योंकि अगर आपको लेना हो तो मेरे हिसाब से आप लोग ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो जो मिरर लगवाया हुआ था ना, जो मार्केट से आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बबल है, तो ऐसा मत कुछ भी मत सोचिएगा कि ये पुराना फ़ोन है, ये न्यू फ़ोन ही है। और यहाँ पर देख सकते हो कि डिस्प्ले आप लोग देख सकते हो, पंच होल डिस्प्ले है, तो ये काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में, और ये इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट फ़ोन है दोस्तों, और किसी भी कंपनी ने इतना बेस्ट फ़ोन अभी तक नहीं निकाला इस प्राइस रेंज में। और कैमरे के लॉक स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ्लैश लाइट के लिए दिया गया है, और कैमरे के लिए फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। और आप लोग चिन्ह देख लो, आप लोग चिन्ह देख लो कि यहाँ पे चिन्ह मतलब इतने मोटे भी नहीं है, इतने पतले भी नहीं है, सब मोटेड टाइप के हैं। और नीचे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा मोटा चिन्ह मिलता है आपको, और ऐसा कोई बात नहीं है। और साइड से भी आप लोग देख लो, काफ़ी अच्छा लुक देता है ये, तो आप लोग देख सकते हो पीछे से बिल्कुल आईफोन का लुक देता है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखा है। और यहाँ कैमरे पर भी लिखा हुआ है दोस्तों डिज़ाइन बाय इन्फिनिक्स, तो काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट आपके लिख दिया है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। अब फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद वंदे मातरम।